हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा मैथ सॉल्यूशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास तक, लास्ट वीडियो तक हमने जून 2016 CSIR नेट में जितने भी क्वेश्चन आए थे इंटीग्रल इक्वेशन से, उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। हमारी इंटीग्रल इक्वेशन की सीरीज चल रही है। 2011 से 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी को हम सोल्व करके अपलोड करेंगे, जिससे नेट के क्वेश्चन पेपर में कुछ हेल्प होगी। तो आज हम सोल्व करेंगे दिसंबर 2016 CSIR नेट पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है, लेट फाई सेटिस्फाई फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 0 to x साइन एक्स माइनस टी फाई ऑफ टी डी टी, देन फाई इज गिवन बाय, दैट मीन्स हमें ये बताना है कि इसका जो सॉल्यूशन है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, जो हमें दे रखा है फाई उसके अकॉर्डिंग, देन फाई ऑफ एक्स हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस 0 to x साइन एक्स माइनस टी फाई ऑफ टी डी टी, देन इसमें अगर एक्स की जगह जीरो रखें तो फाई जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है, एफ जीरो। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, अगर इसमें x की जगह जीरो रखे तो ये फाइव जीरो, ये एफ ऑफ जीरो, ये जीरो टू जीरो इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो, दैट मीन्स फाइव जीरो की वैल्यू हो गई एफ जीरो, दैट इज इसको दे देते हैं वन। नाउ इसका लेबनीज रूल से हम इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो फाइव डैश एक्स, तो इस एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस इसका साइन एक्स माइनस टी का पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to x, और जब साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोज एक्स माइनस टी फाई ऑफ टी डी टी, प्लस आगे अपर लिमिट का करते हैं तो अपर लिमिट x है, x का 1 हो जाएगा, और यहाँ इसमें जो फंक्शन दे रखा है इसमें x की जगह t की जगह हम x रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स साइन जीरो, दैट मीन्स अगली टर्म हो जाएगी जीरो, देन यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं फाइव डैश जीरो की वैल्यू। अगर इसमें इसमें जो सेकंड नंबर जो इक्वेशन हमने सोल्व की है अभी, इसमें एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाइव डैश जीरो हो जाएगा एफ डैश ऑफ जीरो, तो ये आ जाएगा एफ डैश जीरो, यहाँ जीरो टू जीरो रखेंगे तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। नाउ अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय लेबनीज रूल, देन एफ डैश एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस कोज का क्या होता है, साइन माइनस का होगा, तो इसको हम लिख देंगे 0 to x साइन एक्स माइनस टी फाई ऑफ टी डी टी। अब इसमें करेंगे हम अपर लिमिट का, तो अपर लिमिट में करेंगे x का क्या हो जाएगा 1, तो हम लिखते हैं प्लस, और जहां t है उसकी जगह x रखेंगे तो कोज x माइनस एक्स जीरो, ये क्या हो जाएगा फाई ऑफ x, तो यहां से हमारे पास में इक्वेशन आई ये 2, ये 2 है और ये आई 3। तो देखो यहाँ अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखें, इस वाली टर्म को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगी, फाइव एक्स माइनस 0 to x साइन एक्स माइनस टी फाई ऑफ टी डी टी, बचा क्या एफ ऑफ एक्स। तो अगर हम इस थर्ड इक्वेशन में देखें तो ये क्या है, फाइव ऑफ एक्स प्लस का है, ये माइनस का है, तो इन दोनों की जगह हम रख देंगे एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन बन जाएगी एफ डबल डैश एक्स माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू 0 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो फाइव डबल डैश का क्या हो जाता है, फाइव डैश एक्स, और लिमिट रखेंगे 0 से x, और इस तरफ फाइव एफ डैश का हो जाएगा, एफ डबल डैश का हो जाएगा एफ डैश एक्स, और लिमिट हो जाएगी 0 to x, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 0 to x में इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स। नाउ अगर हम इसको सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, एक बार x रखेंगे एक बार 0 रखेंगे, तो फाइव डैश एक्स माइनस फाइव डैश 0 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 0 प्लस इंटीग्रेशन में 0 to x
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अभी हमने ऊपर ये जो लिमिट देखी है, फाई डैश जीरो की वैल्यू किसके बराबर है, एफ डैश जीरो की। दोनों माइनस के हैं, अपोजिट साइड हैं, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस जीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। नाउ अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो फाई डैश एक्स का क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स लिमिट हो जाएगी जीरो से एक्स, एफ डैश एक्स का क्या हो जाएगा, एफ एक्स लिमिट हो जाएगी जीरो टू एक्स, प्लस यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स, जीरो टू एक्स एफ एक्स डी एक्स एंड डी एक्स। तो अगर इसमें लिमिट रखें वापस, तो लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो। और इसको हम जानते हैं पीछे कि जब दो बार इंटीग्रेशन होता है तो हम इसको लिखते हैं जीरो टू एक्स लिमिट हो जाती है, और इसको लिखते हैं एक्स माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी। अगर याद नहीं है तो इसको ऐसे लिखते हैं, डबल इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स एफ एक्स डी एक्स ऑफ डी एक्स होता है, तो हम इसको लिखते हैं जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये याद कर लेना, बहुत जगह काम में आएगा। तो अब अगर हम इसको सोल्व करें तो अगेन हमारी जो इक्वेशन नंबर वन थी, यहाँ देखें फाइव जीरो बराबर किसके, एफ जीरो के। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये फाइव जीरो माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो अब देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी। और हमारा जो आंसर निकल के आया क्या है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, बी पार्ट का क्वेश्चन है, इसलिए इसका एक ही ऑप्शन सही होगा। बाकी ऑप्शन भी हम चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं। तो देखते हैं दूसरे ऑप्शन में क्या है, यहाँ माइनस है बट हमारा प्लस का आ रहा है। तीसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, कोज, जबकि कोज नहीं आ रहा। चौथे में साइन है, तो इसका मतलब बाकी तीन ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन ए था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।